छोपरी कहाँ है? अंडे आपके लिए खबर लाया था। छोपरी कहीं के एक रूम ही ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं। तुम हमको अगली खबर बताओ। अंडे खोपरी नाव है मेरा खबर सबकी रखती हूँ। नमस्कार नमस्कार दर्शक लोग आ गए का कैसन हो अब हमको रीना जी फोन की का हमको आंटी सुबह से कविताएं कविताएं तो गाती रही हो इतनी खबरें दे दी और कविताएं गा रही हो अब हम आप फेवरेट गाना गा दो। अब आजकल हमारी रीना जी को पता नहीं वो गाना कौन सा फेवरेट वाला गाना बड़ा उस हमारा गाना है ना उनको बड़ा पसंद आया है वाला गाना नहीं है तू लगावे लू जब लिपस्टिक ही ले ला आरा डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागे लू कमरिया आहा कमरिया। आगे हमको नहीं आता समा कीजिएगा इससे अच्छा हम आपको टाइगर श्रॉफ जी की खबर दिखाते हैं चलिए। टाइगर श्रॉफ का कहना है कि करीना कपूर से तुलना करना तारीफ है। जी हां बागी दो की अभूतपूर्व सफलता ने टाइगर श्रॉफ को बॉलीवुड के उभरते सितारे के रूप में स्थापित कर दिया। उनके सिक्स पैक एब्स लुक और डैशिंग स्माइल ने लाखों दिल जीते और दिशा पटानी के साथ उनकी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन हॉट केमिस्ट्री उनके फैंस को बहुत अच्छी लगती है। फिर भी यह हमेशा से ऐसा नहीं था। एक बार एक इंटरव्यू में टाइगर ने खुलासा किया कि कैसे लोग उनका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उनके चेहरे पर बाल नहीं थे और कुछ उन्हें उनके फेमिनिन लुक के लिए ट्रोल करते थे। एक जमाने में उन्हें करीना कपूर खान भी कहा जाता था। बता दें कि उनसे पूछा गया कि ऐसा लगता है कि आप खुद का मजाक बनाते हैं तब इसके जवाब में उन्होंने कहा आप इसे जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं। मैं सारा दिन बैठ कर उदास रह सकता हूँ सोच रहा हूँ कि लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ लोग मेरे नाम का और मैं कैसा दिखता हूँ इसका मजाक उड़ा रहे हैं लेकिन अच्छी बात है हर कोई मुझे नोटिस कर रहा है। यह दर्शाता है कि मैंने एक छाप छोड़ी है। अगर वे मेरे बारे में बात नहीं कर रहे होते तो यह एक समस्या होती। साथ ही उनसे पूछा गया कि क्या आपके लुक्स के बारे में टिप्पणियां आपको परेशान करती हैं तो उन्होंने कहा मैं हमेशा से जानता था कि मैं टिपिकल इंडियन लुकिंग बॉय नहीं हूं। मुझे डर था कि लोग मेरी शक्ल की वजह से मुझे स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन फिल्म के रिलीज के बाद मुझे लगता है कि मुझे उससे ज्यादा सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है जिसका मैं हकदार था। हालांकि टाइगर केवल अतीत को जाने देने के लिए तैयार हैं और कहते हैं यह एक तारीफ है कि लोग सोचते हैं कि मैं करीना कपूर की तरह दिखता हूं। वही बता दे टाइगर करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में फिलहाल बिजी हैं। खैर इस खबर में तो बस इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दर्शकों ये खबर में तो बस इतना ही। अभी हम झट से जाते हैं फट से आते हैं नई खबर लेकर तो आप कहीं नहीं जाइएगा बने रहिएगा आंटी के साथ। जय राम जी की दर्शकों।